सिक्स सिग्मा एक्रेडिटेशन बोर्ड की मीटिंग थी, आप आए, कैसा अनुभव रहा? सिक्स सिग्मा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम एज अ पायोनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आज तब से लगा के आज तक उसका प्रोग्रेस जो हो रहा है इतना अच्छा हो रहा है कि देख के हम खुशी होती है। जो काम सरकार को करना चाहिए, जो वो नहीं कर सकती है, वो भी काम आज सिक्स सिग्मा कर रही है। और सिक्स सिग्मा का वैसे भी मतलब है दी हाईएस्ट एक्रेडिटेशन, तो वही हिसाब से जो हाईएस्ट वर्क हो रहा है और स्पेसिफिकली लास्ट ईयर में और करंट ईयर में भी जो होने जा रहा है वो है हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज। प्रदीप भारद्वाज और अनीता जी भारद्वाज, ये दोनों खंभे से खंभा मिला के और इतना अच्छी तरह से करीबन 3 महीने तक अपने घर से भी दूर रह के जो सेवा दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और अब तो उनके साथ में उनकी बेटी भी जुड़ी गई है, परिकुल का भी अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्स करना चाहूँगा कि परिकुल ने भी लास्ट ईयर में वॉलंटियर बन के पूरे हाई एल्टीट्यूड सर्विसेज में जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी उसका रिकॉर्ड्स भी किया गया है कि सबसे छोटी उम्र की जो समाज सेविका है जिसने ये वर्क किया है, तो ये बहुत सराहनीय चीज़ है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और दूसरा जो है एक्रेडिटेशन ऑफ द सर्विसेज, इसमें अभी गवर्नमेंट को एक सिक्स सिग्मा के लिए कुछ करना चाहिए कि यदि एक पूरे देश में जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो अभी भी लैकिंग है, वी आर हैविंग सो मैनी डेफिसिट इन द हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो सके। आज सिक्स सिग्मा एक्रेडिटेशन बोर्ड की मीटिंग थी, इसमें क्या विशेष मुद्दे उठते हैं, बात हुई? इसमें बहुत बड़े और विशिष्ट मुद्दे में ये बात उठी कि हाई एटीट्यूड पे जो भी बच्चे जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विस में रिसर्च कैसे किया जाए, वो एक मुद्दा था। दूसरा था एजुकेशन फील्ड में, पैरामेडिकल एजुकेशन फील्ड में कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पूरा इंडिया में पैरामेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, डिग्री कोर्स नहीं है। आप जहाँ भी हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो वहाँ नॉन क्वालिफाइड ही पैरामेडिक स्टाफ आपको मिलेगा, तो उसको कैसे सिक्स सिग्मा द्वारा और हमारा बी एन पटेल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ रह के हम वो शिक्षण को कैसे दिल्ली और अपने दिल्ली के अगल बगल के विस्तार में ले जा सकते हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स वालों को ये ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ जो बड़े बड़े टॉप अभी जो आप मीटिंग में बैठे थे सब बोल रहे थे कि भाई ये पैरामेडिकल एजुकेशन इज़ मस्ट। तीसरी बात है हाई एटीट्यूड पे डॉक्टर्स को, भरद्वाज साहब ने बोला कि मुझे डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स टिकते नहीं और टिके भी नहीं उतने ऊंचाई पे, लेकिन आठ दस दिन लिए के डॉक्टर्स की टीम आनी जानी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के डॉक्टर्स और सब ने बताया कि यहाँ भी ये हम उसका टेक केयर कर लेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जनरल में अच्छे अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर सब बारे में अच्छे अच्छे लेख लिखे जाए तो अवेयरनेस बढ़े, ये भी एक अच्छी बात है। हमने भी अपने बी एन पटेल इंस्टीट्यूट के हिसाब से बोला कि हम भी हमारे बच्चों को बोलेंगे कि इसके बारे में जो भी नॉलेज इकट्ठा किया है वो करें। तो एक तरफ से सिक्स सिग्मा का जो ये नेटवर्क है, काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल नया है, सोच नहीं है, और इसको धीरे 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 उसका बढ़ावा होता जा रहा है। और मैं तो मानता हूँ कि अपने ही पूरे हिंदुस्तान में तो एक ही है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में और वो जगह होगी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंडिया में तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और प्रदीप जी और अनीता जी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका जो स्टाफ है, वो सैल्यूट टू देम, थैंक यू।